मानस को धारण करके मिथिला में आ गई है। बोलिए अयोध्या नाथ की। भाई राजू विधायक जी 10 मुद्राएं आपकी ओर से, मुस्कुरा बालों की ओर से धन्यवाद। मिथिला में आई धूम मचाई, चित्त को चुराई री। देखिए बहुत अच्छी बात है। ओ आली जी भागे जागे हमारे जी। हमारे लड़कों बच्चों को कोनो बना हरसा, कोनो को बेलना, कोनो को तवा।
बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, जान बची तो लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, अब नहीं आऊंगा। वैसे तो मैं बता दूं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। अरे हाँ, कहोगे हो भैया, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मैं हूँ बहुत बड़ा गुंडा। अरे कब से हो गए? अरे मैं गुंडा पैदाइशी हूँ, बिना मार खाए कोई गुंडा नहीं बनता। ना ना ना, मैं इतना ही गुंडा हूँ, इतना बड़ा गुंडा हूँ, मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं होगा। जानते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ, अरे मार खा के आता हूँ, हूँ ना गुंडा। खोदते पहाड़ आई है मार मोसूटर और फाट डारू नेतान के बड़ी। अब दोबारा सीए तक ना कहू, क्योंकि वैसे तो मैं घर में जाता हूँ, घरवाली मेरा इतना सम्मान करती है, किसी की घरवाली ना करती होगी। मैं जैसे घर जाता हूँ, लगा के जाता हूँ, तो मेरा इतना सम्मान करती है मेरी घरवाली, कहती है मुझे तो नास हो है जड़ा, कहाँ मरत रहो छक्का, सुरक सुरक के फेरा आ गए। अब थोड़ा कहती है, पहले कहा करती है बहू, जब भी लगा के जाता हूँ तब ही सम्मान मिलत है, अमो लड़का अलग लैला ठीक मिलत है, सारे भीतर न घोजे दम्मा के लगनी में पंजोटी तोड़ रहे हो। अब तो बड़ा हो गया यही लाख हो गए, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। हाँ, वैसे तो स्कूल में जाते थे तो वहां भी मार खाते थे गुरुजी से जी। तब से पढ़ाई छोड़ दी हमने। कैसे काहे छोड़ दी थी? अब पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि हमें पढ़ाओ लिखे मन नहीं लगा। सुना तो था कि एक बार गुरुजी ने तुम्हें मारा, फिर तुमने मारा भाई, ये तब से पढ़ाई छोड़ दी। पार्टी मारी थी मैंने फेंक के। का हो गया था ऐसा? अरे ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो एक बोले शिवलिंग के बारे में कौन जानता है, तो एक लड़का खड़ा हुआ बोला मार साहब शिवलिंग के बारे में नहीं, हम और जाना था। बोले क्या जानते हो? बोले शिवलिंग होता है स्त्रीलिंग होता है। दूसरा खड़ा हुआ बोले मार साहब पुल्लिंग भी होता है। फिर तीसरा खड़ा हुआ बोले मार साहब नपुंसक लिंग होता है। होता है, हमारे लगे मार साहब आए बोले तुम्हें भी कुछ आता है? मैं कोई ने तो इतने बताए पांचवा तो मैं जाना था। कहा पांच होते हैं? कहा कौन कौन? मैं को तुमने सुन लो शिवलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। अब मैं उसे और ज्यादा जाना था। कहा कहा जाना था? मैं को पांचवा डार्लिंग। कहा यह डार्लिंग और डार्लिंग सीखने आता है, मार के पसार दिया मुझको। तभी से स्कूल नहीं गया। वैसे एक दिन और चर्चा हुई, एक तो हमारी आदत थी, हम अम्मा के लगे हमारा अम्मा जहाँ का जहाँ वही हम धोती पकड़े होनहोनाते रहा जब छोटे थे। हाँ, धोती पकड़े होनहोनाते रहा तो अम्मा धुनक के धर दी, और अम्मा जहाँ गाना बजाना गाऊं लागे तो हमें तो तसुसू लागा भाई। तो हम कह देना अम्मा हमें पेशाब लागी है। अम्मा का हमारी बड़ा खराब लागे। कहे आज के बाद यो ना कहो कर, बहुत खराब लागत है समाज में, आज से कहो कर अम्मा मुँह गाना गाऊंगा तो मैं गवारा कर। मैं को ठीक है। एक दिन हम पिताजी के साथ में पड़ गए ब्याज जी, मतलब लेट गए। लेट गए हाँ। तो लेट गए बाद ही रात के फूलो पेट हम आओ, हमें लागी के साथ तो हमको पापा वो पापा बोले हाँ बेटा हमको हमें गाना गाना है। कहा से सुबह ही रात के गांव का है, पापा थोड़ा समझ पाएंगे उनका जाने की है कहा है। हाँ। अब मैं सीख गऊ तुम कि अगर मैं सो कहता था सुनो मुँह मार खा ले। मम्मी को पता था कि मम्मी को पता था तो मैंने फिर जगाओ, मैं को पापा हमें बड़ी जोर से गाना है। कहा था ससो आधी रात के है बड़ी जोर से गाऊं का है, चुप सो जा निता है मुंह था पर। तो मैं डरन के फिर सोई दे सो कर रहूं, फिर और जोर से लागी मैं को पापा हमें जोर से गाना है। कहा था ससो लड़का मुंह बड़ो गवैया हो गो है, ये जोर से गाऊं का वो आधी रात के। तो कहा था धीरे धीरे मुंह कान में गा चल। हम उठे नो काम मतलू पूरा कान भर दो, फिर मारा होगा। फिर पापा ने मार के बगदा दो। मम्मी को कुछ नहीं कहा? कुछ कहा कि नहीं सिखाओ मेरे को अम्मा ने, अम्मा के चार मांस दे। वो तब से मैं किसी नहीं आई है, तब से हमारे खा रहे हैं। अब तो हमारी बुद्धि सुधर गई है, यहाँ भी आए और इन्हें मैं जन्म पकड़े देख मैं डराता होगा। वो तो ये कहा कि मैं बोलू आने हूँ। अरे उन्हें कोई एक बार बुलाता है वो दौड़े चले आते हैं। भला आ जाओ ऐसा हूँ तो मैं जानू, गलती ना करना बुलाने की। अरे मुझसे आ जाए तो मैं जानू बुलाओ। अच्छा को आ जाए मैं बुलाऊ तो डरा दो मैं। वो तो मैं रहे वहाँ कर गऊ हूँ,
मैं तुम जानत हो? मैं तो जानता हूँ। आई गए जी बताइए। देखा कितना सम्मान हो रहा है मेरा जी। तुमने पुकारा हमने पुकारा और तुम जल गए। अच्छा ये बताओ यहाँ पर किस लिए आए हो? धनुष यज्ञ में गुइया छीनने आए हैं। क्या कर रहे हैं? गुइया छीनने। यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष तोड़ने आए हैं। तुम धनुष तोड़ोगे? तुम आ गए तुरंत। बिल्कुल। तो हमने कौन बुलाया है? किसको बुला रहे? किसी को नहीं, आप जाइए। अच्छा, हमने कसम से नहीं बुलाया। उपद्रव न मचाना, बहुत मारे जाओ। हमारी बुद्धि सुधर गई है। सुधर गई है? हाँ, अब हम चौपाइयाँ गाएंगे, प्रवचन करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, आ गई पुलिस सो भागे जुमारी। कौन सी चौपाई है? हाँ ठीक है, यह चौपाई गलत है का? बिल्कुल गलत है, यही से हमारा ही हंसाता है। तो दूसरी चौपाई सुना, सुनाओ। नाथ संबोधन भंजन हारा, कुतिया बढ़ गई खोल के मारा। रोटी ले गई मेरी दस बारह, मैंने मारा फटक के बहरा। कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, रोटी धर गई जहीं की तहीं। ये बताओ ये चौपाइयाँ किसने सिखाई है तुमको? हमें मार साहब ने। कौन से मार साहब? गोपाल मार साहब ने। ऐसी सिखाई है? ऐसे सिखाई। उनके कुछ और भी सिखाई होगी, उन्हें इनको चेला हूँ मैं। चक्कर में ना पड़ जाना। सब आज दंगल में आदी दंगल में कुछ कुछ लात मारती। मैं को सवास मार साहब का दूसरो पूरो सही होते तो ऐसा करो। व्यक्ति अच्छे समझ में आ रहे हैं। अब हम अब सुधर गई बुद्धि, अब हम भजन करेंगे। राम जी का भजन कर, राम जी का भजन। ठीक है ठीक है। और किसी हास्यरस की प्रस्तुति में आप हैं भाई कल्लू चाट भंडार ग्राम कंधौली। 21 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे हास्य कलाकार के लिए साधुवाद। और आप हो अश्विन नाना, इसीलिए आप घूम रहे हैं। बस अब बुद्धि आप नहीं भी जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, सुनाओ थोड़ा। सारे तोरी पदनी जी हाँ, आप हमारे बिंदा पासवान जी? जी हाँ बहनों भाई। महेश पासवान जी, इनकी तरफ से 21 पद मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ठीक है जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। धनुष यज्ञ में तेज देशांतर के राज आए हैं, आए रानियां भी आई हैं, लेकिन रानियां दूर की हैं, नेतनिया आई हैं। देश देश अंदर के राज आए हैं, देखा तो दुनिया भर को रड़ुआ इकट्ठा है। धनुष तोड़ने आए हैं, चाचे से पूछे भैया कहाँ जाता धनुष जग जग खाए जात हो। मैंने एक अम्मा से पूछे मगो अम्मा कहाँ जाती है, का धनुष जग जग खाए जात। मैंने एक छोटी बच्ची से पूछे मगो बेटी कहाँ जाता, मैं धनुष जग जग नहीं जा रही। चाहे जिससे पूछे खुशी ही खुशी है, हर घर में घुसी है। हाँ इसीलिए देवरानी अपना का जेठानी अपना का जेठानी कहा थी, देवरानी कहा थी जिजी कहा जा था, ओ जिजी जिजी कहा जा था, मैं जा तो थम तक तक। चाहे जिससे पूछे खुशी ही खुशी है। अम्मा भी आई या पिटिया भी आई, आई है जननिया चाची भी आई दादी भी आई आई है प्योरनिया। अपना कैया के ही सुर में ला ले उधर।
सुरा मिला तो गहरो वालो खर्ज वाला खर्ज वाला कहते हैं कि भैया कोई कहता है हमें हमें किसने मारा, हमें भगवान ने बिगाड़ा, दो भगवान ने यो कर दो, भगवान ने वो कर दो, लेकिन नहीं, भगवान कोई किसी को कुछ नहीं करते, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि राम न मारे काहू को, पापी नहीं यारा, कहीं से मर जाते हैं कर कर खोते काम, कर कर खोते